Good morning students, this is Satish Kumar from Krishna Public School and in this video we shall be discussing about the exercise questions of separation of substances chapter from class 6 standard. So, पहले हम इसमें multiple choice questions करेंगे, कुछ ये हमारे पास. So, इसमें first question है, we need to separate a mixture because to remove harmful components, to remove undesirable components, to obtain unuseful components or all of the above. तो तीनों ऑप्शंस में जो हमें ऑप्शंस दे रखे हैं ये सारे सही हैं. मतलब हमें हार्मफुल कंपोनेंट्स को भी अलग करना होता है, जो अनडिजायरेबल जो हमें नहीं चाहिए कंपोनेंट्स उनको भी अलग करना पड़ता है, और जो यूजफुल कंपोनेंट्स हैं उनको भी ऑब्टेन करना होता है. तो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट, दैट इज ऑल ऑफ द अबव. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर सेकेंड, द मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ सीड्स ऑफ पैडी फ्रॉम देयर स्टॉक्स इज कॉल्ड थ्रैशिंग. मतलब सेविंग, विनोइंग और मैग्नेटिक सेपरेशन इसमें पॉसिबल नहीं है. सो द आंसर विल बी थ्रैशिंग. मतलब जो हमारे पैडी के स्टॉक्स होते हैं उनको क्या करते हैं, जो फार्मर्स होते हैं उनको बंडल बना के पटक पटक के मारते हैं किसी चीज़ के ऊपर, जिससे क्या होता है वो सीड्स अलग हो जाते हैं हमारे पास. ठीक है. थर्ड क्वेश्चन इज डैश इज यूज टू सेपरेट मिक्सचर ऑफ वीट एंड हस्क. वीट और हस्क का जो मिक्सचर होता है उसको सेपरेट करने के लिए हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं, विनोइंग का यूज़ करते हैं. मतलब या तो हम आर्टिफिशियल विंड या कोई फ़ैन वगैरह यूज़ करके, या जब हमारी तेज़ विंड चल रही होती है तो ऊपर से हम उसको वीट और हस्क के मिक्सचर को नीचे गिराते हैं, तो जो वीट के सीड्स होते हैं वो हैवी होते हैं वो नीचे गिर जाते हैं और विंड जो होते हैं वो हस्क को उड़ा के अपने साथ ले जाती है. तो विनोइंग इसके अंदर आएगा हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है. फोर्थ क्वेश्चन इज सॉल्ट इज ऑब्टेन फ्रॉम सी वाटर बाय द प्रोसेस ऑफ. मैंने आपको पहले बताया था जब हमारी क्लासेस चल रही थी कि सॉल्ट जो हमारा सी का वाटर होता है वो सॉल्टी होता है. ठीक है, तो उससे हम सॉल्ट को ऐसे ऑब्टेन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इवेपोरेशन. मतलब उस पानी को इकट्ठा करके और उसको इवेपोरेट करके उसमें से पूरा पानी का कंटेंट जो होता है वो हम हटा देते हैं, इवेपोरेट कर देते हैं, और उसके बाद बचता क्या है हमारे पास, सिर्फ सॉल्ट बचता है. सो इवेपोरेशन विल बी द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर फोर्थ. नाउ क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, इम्प्योरिटीज सेटल डाउन एट द बॉटम व्हेन मडी वाटर वॉज केप्ट ओवरनाइट इन अ बकेट, द क्लियर वाटर वॉज देन पोर्ड ऑफ फ्रॉम द टॉप, विच मेथड ऑफ सेपरेशन इज यूज इन दिस एग्जाम्पल. सबको पता है अगर सॉल्ट जो किसी के अंदर मिट्टी वगैरह है वो सेटल कर जाती है और उसके बाद आप जो साफ पानी है उसको दूसरे उसमें निकाल लेते हैं बर्तन में, तो इस मेथड को हम बोलते हैं सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन. तो यहाँ सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन अलग अलग ऑप्शन भी दे रखे हैं और डी ऑप्शन में बोथ दे रखा है ए एंड बी. सो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट, दैट इज बोथ ए एंड बी. नाउ क्वेश्चन नंबर सिक्स इज देयर, अ मिक्सचर ऑफ मस्टर्ड ऑयल एंड वाटर कैन बी सेपरेटेड बाय सेपरेटिंग फनल. क्योंकि ये दोनों इमिसिबल हैं और इमिसिबल लिक्विड्स के लिए हम सेपरेटिंग फनल का यूज़ करते हैं. नाउ वी आर हैविंग सम फिल इन द ब्लैंक्स, अ डैश इज मेड अप ऑफ वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स वाइल डैश इज मेड अप ऑफ टू और मोर कंपोनेंट्स. जो प्योर सब्सटेंस होता है वो हमारा एक तरह के पार्टिकल से मिलकर बनता है और जो मिक्सचर होता है उसके अंदर एक या एक से ज़्यादा कंपोनेंट्स होते हैं. ठीक है, अ डैश सॉल्यूशन इज वन विच नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व. वो कौन सा सॉल्यूशन होता है जिसके अंदर और ज़्यादा सॉल्यूट हम ऐड नहीं कर सकते, वो होता है हमारा सैचुरेटेड सॉल्यूशन. ठीक है, सेकंड वाले में सैचुरेटेड आ जाएगा. द मिक्सचर हैविंग कंपोनेंट्स ऑफ डैश साइजेस आर सेपरेटेड बाय द प्रोसेस ऑफ सीविंग. सीविंग के लिए हमें किस टाइप के पार्टिकल्स के साइजेस चाहिए होते हैं, डिफरेंट साइज ऑफ पार्टिकल्स. ठीक है, सो डिफरेंट विल बी देयर इन द फिल इन द ब्लैंक. नेक्स्ट इज सेपरेटिंग फनल इज यूज टू सेपरेट टू इमिसिबल लिक्विड्स. दो इमिसिबल लिक्विड्स को सेपरेट करने के लिए हम सेपरेटिंग फनल का यूज करते हैं. देन द सॉल्यूशन इन विच मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व्ड इज कॉल्ड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन. And the amount of sugar which can be dissolved in water increases with the increase of temperature. Okay, so this is how we have to do these questions. अब इसमें हमारे पास very short type answer question आ जाते हैं, जिसमें पहला question है name the process used to separate salt from sea water. अभी ऊपर पढ़ गया है, it is evaporation. Name the method used to pick up iron objects from garbage, it is magnetic separation. Next is name the process by which clear fluid is transferred to another vessel when heavy particles get settled down. ये भी हमने जस्ट अभी ऊपर पढ़ा है, it is sedimentation and decantation. Then define evaporation. Evaporation का आपको definition देना है. तो evaporation क्या होता है students? Evaporation होता है जब कोई भी material या किसी भी चीज़ का liquid phase को हम उसके vapor phase में convert कर देते हैं, it is known as evaporation. ठीक है, basically the process of conversion of liquid phase of a substance into its vapor phase. Next is what do you understand by filtration. ab filtration ka kya matlab hota hai, filtration is a process by which insoluble solids can be separated from liquids using filters. filters ki help se jo insoluble solids hain unko hame kya karna padta hai, separate karna padta hai, usko hum bolte hain filtration. next hai hamare paas what is the basis of sieving as a method of separation. sieving ke kya basis hain,
कि हम उसको एज अ मेथड यूज़ करते हैं सेपरेशन के लिए. द कॉन्स्टिट्यूंट ऑफ द मिक्सचर शुड हैव डिफरेंट साइजेस. मतलब सीविंग के लिए क्या ज़रूरी है कि जिस चीज़ को आप सेपरेट करना चाह रहे हो उसकी हेल्प से, उसके अंदर जितने भी पार्टिकल्स हैं उन सबका साइज़ क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए. ठीक है. नाउ क्वेश्चन नंबर 7, नेम द प्रोसेस यूज्ड टू सेपरेट द कॉमन सॉल्ट एंड शुगर. कॉमन सॉल्ट और शुगर अगर आपके पास है, दोनों आपको पता है सेम साइज का नहीं होता है. सॉल्ट अल्ट्रा फाइन होता है और शुगर थोड़ा मोटा होता है साइज में उससे, तो हम इसमें कौन सा मेथड यूज कर सकते हैं जब साइज सेम नहीं है. अभी जस्ट ऊपर हमने पढ़ा है सेविंग. ठीक है. तो सेविंग इज द मेथड यूज टू सेपरेट कॉमन सॉल्ट एंड शुगर फ्रॉम अ मिक्सचर. ओके स्टूडेंट्स, सो वी हैव डन ऑल द क्वेश्चंस विच आर वेरी शॉर्ट आंसर टाइप. You have to write these solutions in your notebook. I'll be providing you the PDF for the same questions. And if you have any doubt, you can contact me on my WhatsApp number, which is given there on the official group of the school. And thank you very much for listening to me so far. And do subscribe and like this video and share it with your friends. Thank you very much.